हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स माइंड। मैं हूं इंजीनियर प्रकाश। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से पूरी तरह से बिल्कुल परेशान है। सब लोग तबाह हो चुके हैं और हर जगह बिल्कुल एक कहें मातम सा माहौल है। सब लोग अपने घरों में कैद हैं और घरों में कैद होकर के ही जो ज़रूरी है, जो ऑफिस का काम है उसको निपटा रहे हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो घर पे रह करके ही काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं, आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो घर पे रह करके काम करना, अगर कोई भी काम ऑफिस का करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट ज़रूरी है। बिना उसके जो है आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको घर पे इंटरनेट की स्पीड नहीं मिलती, आपको प्रॉपर वाईफाई सिग्नल नहीं मिलता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुल 8 टिप्स बताऊँगा। इन टिप्स को यूज करके आप जो है अपने वाईफाई सिग्नल को, आपकी इंटरनेट की स्पीड को बेटर कर सकते हैं और अपना काम जो है घर पर बैठ करके आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आप इनका अगर यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, सारे जो घर पर हमारे हम लोग यूज़ करते हैं वाईफाई राउटर्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो आपको लैपटॉप एक्सेस करना हो, लैपटॉप के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करना हो, या अपनी मोबाइल डिवाइस पे आपको नेट को एक्सेस करना हो, या कोई आपका सर्वर है जिसको कि एक्सेस करना हो, तो इस वाईफाई राउटर में अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको आपका काम जो है घर पे बैठ करके आसान हो जाता है। आपको पता है कि कहीं आप जाते हैं आपको वाईफाई का सिग्नल वीक मिलता है, कहीं पर आपको ये लगेगा कि वाईफाई का सिग्नल तो आ रहा है लेकिन वाईफाई में स्पीड नहीं आ रही है। तो इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, अगर आपके घर पे वाईफाई राउटर है और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, आप लैपटॉप के थ्रू या आपके मोबाइल के ज़रिए, तो उसका जो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम जो जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ है, आप उसको रखते कहाँ पर हैं। आप कभी भी वाईफाई, अपना वाईफाई जो राउटर है उसको बिल्कुल दीवार से सटा करके, बिल्कुल दीवार से लगा करके ना रखें, और ना ही उसको किसी जो भी जैसे माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर या उनसे बिल्कुल लगा करके रखें। आप थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस जो है, थोड़ी सी जगह जो है रखें दीवार और वाईफाई राउटर के बीच में, बहुत कंजेस्टेड एरिया में इसको ना रखें। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्पीड पे और सिग्नल स्ट्रेंथ पे। तो सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि आप जो वाईफाई का आपका राउटर है, आप उसको एक स्पेस दें जहाँ पर भी आप उसको रखें। जो फ्रेंड्स दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि अगर आपके घर में 10 डिवाइसेज हैं जो वाईफाई राउटर को एक्सेस करती हैं, जो उसके थ्रू अपना काम करते हैं, जो भी लोग हैं उसको उसके थ्रू अपने नेट को यूज करते हैं, तो ऐट ए टाइम सारी डिवाइसेस एक्टिव नहीं होती हैं। अगर आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो फॉर टाइम बींग बाकी डिवाइसेज जो आइडल डिवाइसेज हैं, जिनका कि अभी यूज़ नहीं करना है या जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, उनको सबको आप डिस्कनेक्ट कर दें, मतलब उनका वाईफाई ऑफ कर दें। आप अपने ही डिवाइस को सिर्फ वाईफाई पर रखें तो इससे आपको जो बाकी डिवाइसेज हैं वो बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं करेंगी और आपको बैंडविड्थ बेटर मिलेगी, आपको स्पीड बेटर मिलेगी। फ्रेंड्स, जो तीसरी बात है जो ज़रूरी है उसमें ये है कि हम वाईफाई राउटर में अलग अलग SSID, जिसको कि सर्विस सेट आइडेंटिफायर कहते हैं, SSID, जैसे कि आप वाईफाई का कोई भी आप नाम लिखते हैं उसके थ्रू आप उसको एसेस करते हैं, तो जो वो SSID है वो अलग अलग SSID आप 2, 3, 4 बना लें अपने हिसाब से और उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसकी बैंडविड्थ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किस SSID पे कितने चैनल, कितने लोग लॉगिन कर सकते हैं, कितना उसकी बैंडविड्थ ले सकते हैं, वो उसमें राउटर में एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वहाँ पर जा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जो SSID आप यूज़ करते हैं, आपकी डिवाइस को यूज़ करना है, उस SSID में आप हायर बैंडविड्थ रखिए जिससे कि आपको बेटर स्पीड मिले। जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, अगर हम वाईफाई सिग्नल या वाईफाई राउटर की बात करें, तो अब आजकल जो है मैक्सिमम लोग जो है वो ड्यूअल बैंड वाईफाई राउटर यूज़ करते हैं। मैंने वाईफाई राउटर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप सारे पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह के राउटर्स होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है। यहाँ मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा कि अगर आपका ड्यूअल बैंड जो वाईफाई राउटर है वो है, तो उसमें दो तरह की फ्रिक्वेंसी यूज होती है। एक होती है 2.4 GHz की और दूसरी होती है 5 GHz की।
तो अगर आपके घर में कई सारी डिवाइसेस हैं तो उसमें आप अपनी डिवाइस को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मैप कर सकते हैं। जैसे 5 GHz की बैंडविड्थ को आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी लोग 2.4 GHz की बैंडविड्थ को यूज़ करें। इससे भी आपका जो आपको वाईफाई सिग्नल बेटर मिलेगा, आपको बेटर स्पीड मिलेगी। फ्रेंड्स, जो पांचवी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सबको वाईफाई यूज़ करना होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है ईथरनेट केबल का, लैन केबल का, जिस मतलब अगर आपका वाईफाई राउटर पास में है जहां पर आप अपनी डिवाइस को लैन केबल के थ्रू जोड़ सकते हैं, या आपके पास लंबी लैन केबल है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। आपको उसमें वाईफाई के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर स्पीड मिलेगी। और अगर हो सके तो आप जितना पॉसिबल हो आप लैन केबल का यूज़ करें, अगर कोई आप ऑफिस का काम घर पे बैठ करके कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, जो छठवीं बात है, सिक्स्थ टिप मैं कहूँगा, उसमें ये है कि जैसा मैंने कहा, ड्यूअल बैंड वाईफाई राउटर आपके पास है 2.4 GHz का और 5 GHz का, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस है, अगर आप जो आपकी डिवाइस है जिसको जिस पे कि आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो राउटर से कम डिस्टेंस पे है, तो आप अपनी डिवाइस को 5 GHz बैंडविड्थ पर लैच कराएं। 5 GHz बैंडविड्थ पे आपको बेटर सिग्नल मिलेगा और बेटर स्पीड मिलेगी, अगर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है तो। और इसी में अगर हम कहें कि इसका रिवर्स, अगर आपको वाईफाई राउटर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे, आप सेकेंड फ्लोर पे एक्सेस कर रहे हैं अपनी डिवाइस से, तो उस समय आप जो है उसको जो 2.4 GHz बैंडविड्थ है उसका यूज़ करिए। उससे आपको सिग्नल जो है वो वहाँ तक दूर तक मिलेगा और आपको स्पीड भी बेटर मिलेगी। तो ये जो बैंडविड्थ का, जो ड्यूअल बैंड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये काम आता है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, जो आखिरी बात मैं कहूँगा वो ये है कि कहीं पे भी आप वाईफाई राउटर रखिए आपके घर में, तो डेफिनेटली उसमें डेड जोन्स मिलते हैं जहाँ पर आपको वाईफाई सिग्नल नहीं मिलता है। कई सारे थर्ड पार्टी ऐप्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप डेड जोन्स का पता कर सकते हैं। आप एक बार सर्वे करके भी घर में देख सकते हैं, आपको डेड जोन्स मिलेंगे, तो आप उस डेड जोन्स को अवॉइड करिए। और दूसरा ये कि वाईफाई एक्सटेंडर्स या वाईफाई रिपीटर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई राउटर को की प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप वाईफाई राउटर आपका सपोज ग्राउंड फ्लोर पे है, अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पे आपको डिवाइस के थ्रू नेटवर्क को एक्सेस करना है, तो आप एक्सटेंडर या रिपीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आठ बातें हैं, आठ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको घर से काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस समय जबकि हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, उस समय ये आपके लिए बड़े काम की चीज़ होगी। तो फ्रेंड्स, ये आठों टिप्स में से आप कुछ टिप्स आपके काम आएगी, आप इसको यूज करिए और कमेंट्स के जरिए मुझे बताइए कि आपको ये वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ और स्पीड के ऊपर मेरा वीडियो कैसा लगा। और चलते चलते मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर पर ही रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, क्योंकि इस समय घर से बाहर निकलना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। ये 2-3 हफ्ते का जो लॉकडाउन है उसमें घर पर रहकर ही आप काम करिए, और उम्मीद है ये जो संकट है ये जल्द ही खत्म होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप वॉचिंग इंजीनियर्स माइंड।